गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक शेप्स। शेप्स आपने पहले प्रीवियस क्लास में भी किया है, आपको ये पता होगा। इस शेप को देखिए और रिकॉग्नाइज कीजिए, ये कौन सी शेप है? ट्राइंगल। और ये कौन सी शेप है जिसकी ऑल साइड सेम होती है? दैट इज स्क्वायर। और दिस शेप इज रेक्टेंगल एंड दिस इज सर्कल। तो इन शेप से रिलेटेड फिलअप्स हैं जो मैंने आपको लिखे हैं, आपको ये आते भी हैं, थोड़ा सा आपको याद करना है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम देखेंगे इस ट्राइंगल की शेप को देख के। देखो बच्चे, इसमें कितनी साइड्स हैं। साइड्स वो होती हैं जिन स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हमने ये फिगर ड्रॉ की है। और वो कौन सा फिगर बना है, कितनी, 1 2 3, 3 स्ट्रेट लाइन से बना है तो उसे ट्राइंगल बना है। तो इसमें उतनी ही साइड्स होती है, तो ये ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। अब इस स्क्वायर में देखिए कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4। स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। रेक्टेंगल की काउंट कीजिए, 1 2 3 4। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स हैं, रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स। सर्कल में क्या कोई साइड नज़र आ रही है आपको? नहीं, सर्कल इज ए क्लोज फिगर है, लेकिन ये विदाउट लाइन से बना हुआ है, ये एक कर्व्ड है, क्लोज कर्व्ड है। तो ये सर्कल हैज़ नो साइड्स। अच्छा देखो, अब इन दोनों में साइड्स तो सेम है और इनमें डिफरेंस क्या है? देखो स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स, अपोजिट मतलब इसके सामने वाली साइड और इस ब्रेड के सामने वाली साइड, ये सेम होती है। तो ये फिलअप्स आपको लर्न करने हैं। ये शेप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए और इनमें सुंदर सुंदर से डिफरेंट डिफरेंट कलर भी आपको फिल करने हैं, और फिर ये फिलअप्स लिखिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।